अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह वबरकातुहु। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स जी। आज मैं रिव्यू देने जा रही हूँ सर्टिज़ा का, जो है ये डिजिटल ग्लास स्केल है। और मैंने ये आज से तकरीबन कोई हफ्ता पहले मंगवाया है। ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा स्कैम हो चुके हैं, तो ऑनलाइन जो है वो मैं ऑर्डर करना मतलब नहीं मुझे अच्छा लगता। तो मैंने ये मंगवाया था बेसिकली, भाई जो हैं वो मेरे जा रहे थे लाहौर अपनी शॉप के लिए कुछ चीज़ें वगैरह लेने के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए जो है वो आप ये लेके आइएगा। तो ये वो वहाँ से लाए हैं। ये तकरीबन सिंस 2000 का ही मुझे मिला है। ये मेन मार्केट से जाके हमें ये 2000 का मिला है और रेट काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसको ओपन करते हैं और ये देखिए ओपन, हमने इसको कर लिया हुआ है। आई थिंक ये गलत साइड ओपन कर दी है। ये जो है बॉक्स के अंदर से हमने स्केल निकाल लिया हुआ है। ये बेसिकली ग्लास स्केल है और इसके अंदर जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 180 केजी जो है वो ये इसको 180 केजी जो है वो बर्दाश्त करेगा ये। और मुझे तो बहुत प्यारा लगा है, बहुत खूबसूरत लगा है मुझे। और इसकी जो बनावट है वो भी बड़ी मज़े की है। और बड़ी सबसे बड़ी मज़े की बात ये, मैं अक्सर ऑनलाइन वगैरह आगे पीछे रहती रहती हूँ, तो अभी जिस तरह 2023 में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उस लिहाज से जो है वो मार्केट में ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा हुआ था। तो ये जब हमने लाहौर जाके होल सेल रेट पर 2000 के लिए, तो आप लोग भी जब इन शॉप्स वगैरह पर जाएँ तो आप भी कोशिश किया करें कि इनको जो है वो आउट ऑफ द वे जाके जो है ना वो आप अपनी वो जो ना दिया करें, कुछ ना कुछ तो चल ही जाता है। इसके बाद ये देखें, ये इसका सेल डालने का एरिया है। ओके, यहाँ पे ये क्या, अच्छा चलें, ये सेल यहाँ पे डलता है इसका। और ये आई थिंक ऑटोमेटिक है, इसको बंद करने का कोई सीन नहीं है। और बंद हो जा भाई, क्या गलती कर ली खोल के। और सर्टिज़ा डिजिटल ग्लास स्केल है ये, GS नंबर इसका है 808। काम ये बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि इसको पहले मैं खोल चुकी हुई हूँ। QS से ये पास है, हुआ हुआ है और डॉक्टर्स फर्स्ट चॉइस है ये। और रिकमेंडेड इसलिए भी है क्योंकि वेट बिल्कुल ठीक बताते हैं। नॉर्मली हम जब आप लोग जाते हैं ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए, तो ऑनलाइन कभी भी ऑर्डर ना किया करें क्योंकि इनके जो बनावट में तो बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ भी देखे हैं, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया भी है कि ये इसके अंदर जो मशीन और इसका मटेरियल लगा हुआ होता है वो अच्छा नहीं होता वो, और वेट जो है वो काफ़ी डिफरेंस दिखाता है, बल्कि वेट जो है वो नॉर्मल लोगों से जो नॉर्मल होता है उससे कम दिखाता है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा होने वाला लगा था। तो चलिए इसको मैं जो है ना ज़मीन पर रखी, इसको इसके ऊपर वेट करके भी दिखाते हैं कि इसका कैसे होने वाला है। तो इसके साथ सीन ये होता है कि आप इसको कभी भी अन ईवन जगह पे मत रखें। जिस तरह मैंने इसको, जब मैंने इसको रखा तो ये अन ईवन था, अभी तो ये नहीं है, अभी तो जगह फिट हो गई है। देखें ये अन ईवन है, अन ईवन जगह पे इसको कभी भी ना रखें। ट्राई करें कि इसको थोड़ा सा अपनी ही जगह से थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लें ताकि ईवन हो जाए, ताकि उसके बाद जब आप इसके ऊपर वर्क करें तो ये ठीक हो जाए। तो चलें जी वेट करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो मैं अपना ही ट्राई कर लेती हूँ, कोई और बंदा तो मेरे पास है नहीं। तो जी चलें, ये क्या हो गया मेरे साथ, जुल्म हो गया मेरे साथ। ओ शिट, मेरे ख्याल से मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। इसको छोड़ने के बाद देखते हैं कि मेरा जो है वो क्या, कितनी गलत बात है यार, दोबारा 80 कर दिया है मेरा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया था 77 था, मुझे नहीं पता, मुझे दोबारा 77 चाहिए। दोबारा इसको 77 करो, दोबारा मैं ट्राई करती हूँ। तो अब मशीन ये जो है ना वेट मशीन, अब मेरा 77 ही आना चाहिए, ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके भाई तुम बंदे हो क्या चीज़, आप तुमने 78 कर दिया, मैंने कहा 77 करो, दोबारा कर रही हूँ मैं। ओके दोबारा करूँगी, 77 ही आना चाहिए। गलत बात है, गलत बात है, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। क्या मैंने पानी बहुत पी रखा है अगेन। जी हमने आपको रिव्यू करके दिखा दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को यही देना चाहिए। बहुत सारे रिव्यूज, बहुत सारी चीजें मार्केट में आई हुई है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सर्टिज़ा जो है वो जब भी, क्योंकि मैं वैसे नहीं बात कर रही, आज से तकरीबन 10 साल पहले जो है वो मंगवाया था मेरी फ्रेंड ने, और वो सर्टिज़ा का ही था, भाई ने ही ला के दिया था। वो बहुत अच्छा चला, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैंने दोबारा वहीं से मंगवाना है, तो अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसलिए मैंने ये मंगवाया। तो इंशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा चलने वाला है। तो जी रिव्यू मैंने दे दिया है, और प्लीज़ 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 लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। और जो लाइक करना होता है ना, लाइक अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं जरा मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी वीडियोज़ पर अलहमदिल्ला बहुत अच्छी व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन बीच में बात वही आ जाती है कि जब लाइक्स नहीं आते तो फिर ऐसा लगता है यार मैं तो फिजूल काम कर रही हूँ, मुझे तो करना ही नहीं चाहिए, और फिर लगता है छोड़ दूँ। तो काइंडली जो है वो वीडियो देखने के बाद उसको प्लीज़ 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 लाइक जरूर कर दिया करें, प्लीज़।
कदी करे कदी करे कदी करे। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।